सूबे के पंजाब का एक छोटा और साधारण सा गांव है। यहीं पर हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के ठीक 8 वर्ष बाद 28 जनवरी 1865 को लाजपत राय का जन्म हुआ। उस समय कौन सोचता था कि यही बालक आगे चलकर पंजाब केसरी के नाम से विख्यात होगा। उसके माँ बाप गरीब थे, माँ अनपढ़ थी पर चरित्रवान, धार्मिक भावना से भरपूर और एक आदर्श गृहिणी थी। पिता लाला राधाकृष्ण गांव के स्कूल मास्टर थे। उनकी ये डायरी उनके पुत्र के जन्म की चर्चा करती है। लाजपत राय आरंभ से ही मेहनती और पढ़ने में तेज थे, पर पिता गरीबी के कारण उन्हें विश्वविद्यालय में भेजने में असमर्थ थे। 15 वर्ष की आयु में लाजपत राय लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर लॉ में भर्ती हुए। वहां से डिप्लोमा लेकर उन्होंने छोटी अदालतों में वकालत शुरू की। कुछ वर्ष बाद उन्होंने वकालत की डिग्री ली और हिसार की जिला अदालतों में वकालत शुरू की। फिर कुछ ही साल बाद पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे लाहौर के हाईकोर्ट में आए। वकालत में उन्हें काफी सफलता मिली। वे हिंदुस्तानी के गहरे जानकार थे, प्रभावशाली और धारा प्रवाह वक्ता थे। लाहौर में उन दिनों आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने चेतना की लहर दौड़ा दी थी। लाजपत राय आर्य समाज की ओर आकर्षित हुए। इसका उद्देश्य था धर्म सुधार और राष्ट्रवाद। 1882 में 17 वर्ष की अवस्था में लाजपत राय आर्य समाजी बने। लाजपत राय को वकालत से काफी आमदनी थी, लेकिन समाज सेवा के लिए उन्होंने पैसे का मोह छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी। उन दिनों समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ और बड़े बड़े नेता चमके, जैसे तिलक, एनी बेसेंट और दादा भाई नवरोजी। लाजपत राय अध्ययनशील और बड़े विद्वान थे। उन्होंने मार्क्सिनी और गैरिबाल्दी, भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी और स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र लिखे। स्वामी दयानंद सन 1883 में दिवाली के दिन स्वर्गवासी हुए। लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त स्वामी जी के शिष्य थे और लाजपत राय ने उनके साथ स्वामी जी के स्मारक निर्माण की ठानी। फलस्वरूप लाहौर में प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। अब तक लाजपत राय सबों के प्रिय पात्र लाला जी बन गए थे। 1895 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में सहायता की। आज इस बैंक की शाखाएं सारे देश में हैं। 1897 में राजपुताना में लाजपत राय हजारों अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए गए। वहां की भुखमरी ने उनका हृदय द्रवित कर दिया और वे आम जनता की सेवा में जुट गए। उन्नीस सौ चार में उन्होंने कांगड़ा भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य संगठित किया। उसी दौरान उन्होंने पंजाबी नामक सप्ताह में 2 बार निकलने वाले पत्र की स्थापना में सहायता की। इसका प्रथम प्रकाशन 1904 में हुआ। यह पत्र अपने निर्भीक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। 1905 तक लालाजी ने राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लिया था, पर उसी साल बंगाल के विभाजन ने उन्हें इतनी गहरी ठेस पहुंचाई कि वे फिर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने लगे। शीघ्र ही वे राजनीति के मैदान में कूद पड़े और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ राष्ट्र के नेता मान लिए गए।
ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से चमक उठे। ५ के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादी लालाजी ने गोपाल कृष्ण गोखले के नरम दल वालों से संबंध तोड़ लिया। वे आजादी की भीख नहीं मांगना चाहते थे। लालाजी ने देशवासियों को निर्भयता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहां लालाजी ने स्वराज, स्वदेशी, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया। पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी बिल से लायलपुर, मॉन्टगोमरी और मुल्तान के लोग, विशेषकर भारतीय फौज के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक क्रुद्ध हो उठे। लालाजी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने के आंदोलन की अगुवाई की। उनके साथी थे अजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के चाचा। पंजाब केसरी अब आजादी के लिए गरज उठा था। पंजाब के गांव जाग उठे थे। लाहौर, रावलपिंडी और दूसरे स्थानों में दंगे शुरू हो गए। 1907 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। आजादी की पहली लड़ाई को 50 साल पूरे हुए थे। अंग्रेजी राज घबराकर राजनीतिक नेताओं को बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाले की सजा दे रहा था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बर्मा में मांडले के किले में बंद किया गया। यहां लालाजी अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने में बिताते। यहीं पर उन्होंने आत्मकथा भी शुरू की, पर वे उसे पूरी न कर सके। बिना अदालती कार्रवाई के देश निकाले की सजा के विरुद्ध भारत और इंग्लैंड से आवाजें उठी। दोनों क्रांतिकारी रिहा कर दिए गए। अगले 6 वर्षों तक, जबकि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लालाजी समाज सेवा में लगे रहे। स्कूल और कॉलेज खुले गए, अस्पताल, अनाथालय और विधवाश्रमों की स्थापना हुई। जाति प्रथा को तोड़ने और अछूतों को समान अधिकार दिलाने की मांग मजबूत हुई। लालाजी का कथन था, ईश्वर की नजर में सभी समान हैं, मनुष्यों को भी वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ১৯০৯ में मोरले मिंटो सुधार के अंतर्गत प्रशासन में कुछ सुविधाएं मिली। 1911 का दिल्ली दरबार, जिसमें अंग्रेजी राज के कई भक्त, राजा महाराजा और बड़े व्यापारियों ने अंग्रेज सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित की। लंदन 1913, कांग्रेस की ओर से अंग्रेजी सरकार और जनता के सामने भारत की स्वतंत्रता की मांग रखने लालाजी, भूपेंद्रनाथ बासु और मोहम्मद अली जिन्ना का एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड गया। ये मंडल इंग्लैंड में था कि जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। लालाजी की राय थी कि भारतवासियों को इस युद्ध में अंग्रेजों की पूरी सहायता करनी चाहिए, पर एक शर्त पर, देश की सेना का पूरी तरह भारतीयकरण हो। लालाजी जानते थे कि भारत पहुंचने पर वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक युद्ध का अंत नहीं हो जाता और भारत की स्थिति थोड़ी शांत नहीं हो जाती, वे देश के बाहर ही रहेंगे। उनके अगले 6 वर्ष विदेश में ही बीते, खासकर अमेरिका में। वे अमरीकी बुद्धिवादियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता से भारत पर व्याख्यान देने का दौरा शुरू किया। उग्र विचारधारा के पत्रों न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यू रिपब्लिक में उन्होंने लेख लिखे
और कई पुस्तकें लिखी। इनमें से प्रमुख थी यंग इंडिया, राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ का इतिहास। न्यूयॉर्क में उन्होंने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भी की। इसके बाद लालाजी जापान गए। यहां उन्होंने रास बिहारी बोस और एमएन राय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट की। भारत ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत मजबूरी से प्रशासन में कुछ और सुविधाएं दी गईं। पर उसी समय पास हुआ कुख्यात रॉलेट बिल, जिसके अनुसार किसी को भी राजनीतिक कार्रवाई के लिए बिना अपील सुने ही कैद किया जा सकता था। राजद्रोह के कागजात को पास रखना ही जेल जाने के लिए काफी था। पंजाब में ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ और उसे निर्ममता से दबा दिया गया। जलियांवाला बाग के भीषण हत्याकांड में अंग्रेजी अत्याचार सीमा पर पहुंच गया। जनरल डायर की आज्ञा से 1605 गोलियां दागी गईं। जनरल डायर ने स्वयं कहा कि खत्म होने तक ये गोलियां चलती रहीं। ये गोलियां चली निरी और निहत्ती जनता पर, जिनमें से बहुत से किसान थे। अंग्रेज सरकार के अनुमान के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। और इस हत्याकांड के बाद जनरल डायर आराम से सोने चले गए। सारा देश अंग्रेजों के अत्याचार से कांप उठा था, फिर भी लोगों ने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। विद्रोह के जाग उठने के डर से अंग्रेज सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा की। भारत की जनता के लिए यह बड़ा भारी संकट का समय था। 1920 में लालाजी भारत लौटे। सारे देश में क्रोध और विद्रोह का वातावरण था। भारत इंग्लैंड के संबंध 1857 के विद्रोह के बाद एक बार फिर बहुत कटु हो गए थे। समय था राजनीतिक कदम उठाने का। धुधी के गांव का वो साधारण बालक अब एक असाधारण नेता बन चुका था। पंजाब केसरी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कलकत्ता के इसी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। गांधी जी के प्रमुख समर्थकों में से थे लालाजी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मौलाना आजाद। असहयोग आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के महत्व पर जोर डाला। कताई स्वराज के अहिंसात्मक युद्ध का प्रतीक बन गई। मोतीलाल नेहरू, लालाजी और कुछ अन्य लोगों की अगुवाई में आयात होने वाले ब्रिटिश माल के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में सिख जैसे लड़ाई के सूरमाओं ने भी गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को अपनाया। उत्तेजना और अत्याचार के सामने वे नहीं झुके। We'll be right back.
गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया जब चौराचोरी में पुलिस टुकड़ियों के खिलाफ हिंसात्मक तूफान जाग उठे। लाला जी को ये बात बहुत खली। उन्हें गांधी जी के अहिंसा के आदर्शों पर पूरा विश्वास न था। गांधी जी की इस कार्रवाई के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। लाला जी ने उनका साथ दिया। इसी दौरान लाला जी ने शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश की सेवा करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के सदस्यों में थे लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन और बलवंत राय मेहता। 1928 में केवल अंग्रेज सदस्यों के बने साइमन कमीशन की स्थापना से लाला जी बड़े क्रुद्ध हुए। अजीब सी बात थी कि भारतवासी खुद अपने भविष्य के बारे में ही कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पंजाब में कमीशन के बहिष्कार के आंदोलन का नेतृत्व किया। 29 अक्टूबर 1928, कमीशन का विरोध करने के लिए लाला जी ने लाहौर स्टेशन की तरफ एक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी पताकाएं फहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, मगर शांत थे। रेलवे स्टेशन के दरवाजे पर एक अंग्रेज अफसर की देखरेख में पुलिस दस्ता तैनात था। बिना कारण ही एकाएक पुलिस लालाजी पर टूट पड़ी। लाठियों की मार शुरू हो गई। कई लाठियां लालाजी की छाती पर पड़ी। घायल होने के बावजूद भी डॉक्टर की सलाह न मानकर उसी शाम लालाजी ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया और गर्जना की, आज हम पर पड़ी हर मार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की एक कील बनेगी। पंजाब केसरी ने अपनी बहादुरी का सबसे बड़ा मूल्य अदा किया। उस निर्मम हमले के 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। जिस देश की उन्होंने सेवा की और जिसे अपना प्यार दिया, वो शोक में डूब गया। पंजाब केसरी अब न रहा। महात्मा गांधी ने कहा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई पर लाला जी अमर हैं।